नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आप सिरसा की अनाज मंडी से देख रहे हैं कि सिरसा में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी है। सुबह 4 बजे से हो रही बारिश से कई जगह पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अनाज मंडी में धान की फसल की खरीद शुरू है, लेकिन बरसात के कारण किसानों की जो चिंता है वो बढ़ गई है और जमींदारों ने बड़े आरोप जड़े हैं कि प्रशासन के पास कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं है। किसानों को जो प्रबंध है वो खुद करने पड़ रहे हैं, जो फसलों की देखभाल है वो किसानों को खुद करनी पड़ रही है और भारी बारिश के कारण जो धान है वो खराब हो रहा है और इसके चलते और क्या कहना है किसानों का। करते हैं बातचीत और जानते हैं भारी बारिश में किसानों का हाल चाल। दिनेश कुमार है जी। चिंताएं तो काफ़ी है जी, जैसे कल का निकाला हुआ है धान ट्राली में है, बारिश आ जाए घर पे भी थोड़ी प्रॉब्लम है, सामने में करने में, मंडी ले आए तो भी रेट में भी काफ़ी फ़र्क है जी। जैसे गीला हो जाता है, गीले में फ़र्क ही है और कुछ ये हड़ताल वगैरह वाला इशू है, तो प्रॉब्लम तो सभी किसानों के हैं। कई काट के जैसे खेत में रखा हुआ है धान, उसमें भी प्रॉब्लम है जी। अब बारिश आ रही है, 3-4 दिन मौसम ख़राब है, निकलेगा नहीं वो 10 दिन तक, तो दिक्कत ही दिक्कत है जी। ऊपर से रेट भी काफ़ी डाउन चला गया पहले से, और रेट तो अभी जैसे मेरे ख्याल टॉप रेट है इनका 3,100 रुपये तक, और थोड़े दिन पहले यही 3600-3700 तक जा रहा था धान। पता नहीं ऐसा क्या इशू है, इतना धान भी नहीं है इस बार फिर भी रेट डाउन चल रहा है, कोई समझ नहीं है। कोई प्रबंध नहीं है, प्रबंध क्या है जी, मेरे को तो कोई दिखाई नहीं दिया। ये शेड तो पहले के ही बने हुए हैं, इसके अलावा क्या है आपके सामने ही है देख लो, कोई प्रबंध नहीं है। ऊपर से हड़ताल वगैरह है ना, इतने लेने वाले ना कि कुछ और, तंगी है जमींदारी के लिए तो अच्छा नहीं है जी। कुल मिला ना मार्केट के अंदर इतना मतलब धान आ रहा फिर भी रेट नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या इशू है। हाँ जी,